देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक डिश, चिकन लिवर बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मेजरमेंट कप से 2.5 कप बासमती राइस को 1 आवर के लिए पानी में सोक करके लिया हुआ है। यहाँ पे हमने 750 ग्राम्स चिकन लीवर को मीडियम पीसेस में कट करके अच्छी तरह से धो के लिया हुआ है। 3 लार्ज साइज अनियन को हमने जूलियंस में कट करके लिए हुए है। 2 मीडियम साइज टमेटो चॉप्ड। यहाँ पे हमने 1 अनियन को 4 हाफ्स में कट करके लिए हुए है। 5 से 6 हमने ग्रीन चिलीज लिए है। 1 हमने होल गार्लिक को इस तरह से छील के लिए हुए हैं और 2 इंच जिंजर को अच्छे से पील करके छोटे छोटे पीसेस में हमने कट करके लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जैसे कि ये छोटा एक टुकड़ा हमने लिया है जायफल के यानी कि नटमेग के। 8 यहाँ पे क्लोव्स है यानी कि लौंग है। 8 से 10 हमने हरी इलायची लिया है। 3 इंच हमने दालचीनी लिया है और 1 बड़ी इलायची लिया है। 10 से 12 हमने तेजपत्ता लिया है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून ड्राई रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 टेबलस्पून बटर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे हम रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे। तो चलिए चिकन लिवर बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए बिरयानी का चावल बना लेते हैं। बिरयानी का चावल बनाने के लिए हमें इस तरह का बर्तन चाहिए होगा। बर्तन में हमने अप्रॉक्स 1.5 लीटर तक पानी डाल दिया है। अभी सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है। जब तक पानी गर्म होता है, चलिए इस इंटरवल में हम बिरयानी का जो मसाला है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। इन मसालों में से 1 इंच दालचीनी ले लेंगे, 3 क्लोव्स ले लेंगे, 5 ग्रीन कार्डमम्स ले लेंगे और 1 जो ब्लैक कार्डमम है उसे भी ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका एक फाइन एक पाउडर हमें प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ ये जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज और अनियन को ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ एक पेस्ट हमें प्रिपेयर कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें रिमेनिंग जो दालचीनी इलायची और क्लोव्स जो ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 2 तेजपत्ता भी ऐड कर देंगे और ये जो सोक्ड जो राइस है इसे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब हमें इस चावल को 70% तक ही कुक करना है और बीच बीच में हमें इसे स्टर भी करते रहना है। चावल को हमने 70% तक कुक कर लिया है। अब गैस बंद करेंगे और इसे हमें अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। अब हमें इस पैन में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रिफाइन ऑयल ऐड करना है क्योंकि हमें इसमें अनियन को जो है ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इस तेल को हमें अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है। अब अनियन में से 1/2 अमाउंट जो है इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 हम बाद में यूज करेंगे। अब हमें अनियन को जो है बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसा कि आप देख रहे हो अनियन जो है बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अनियन को जो है ड्राई बोल में उतार के साइड में रख देंगे। अब गैस ऑन करेंगे और ये जो रिमेनिंग जो अनियन है इसे ऐड करेंगे। अब अनियन को हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। अनियन फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली और अनियन का जो पेस्ट है इसे ऐड कर देना है। अब हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर और गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये फ्राई हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे पाउडर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जैसे कि टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया। इस टाइम गैस को बिल्कुल सिम में ही रखिएगा। ये रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया, क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मसाला जो है फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें चॉप टमेटोज ऐड कर देना है, थोड़ा स्टर कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसे फिर से थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब हाई फ्लेम में इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हमें कुक करना है, तब तक ये टमेटो जो है गल जाएगी। टमेटो पूरी तरह से गल चुकी है, ये मसाला भी पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें जो चिकन का जो लीवर है इसे ऐड कर देना है।
अब फ्लेम बढ़ा लेंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा हमने टमेटोज को फ्राई करते टाइम भी नमक का यूज किया था। अब इसे 5 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इसे हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये हमने जो गरम मसाला पाउडर प्रिपेयर किया था इसमें से हाफ इसमें ऐड करेंगे और हाफ अमाउंट जो है हमें बाद में यूज करना है। और साथ ही साथ ये जो नटमेग है इसे ग्रेट करके इसका 2 पिंच अभी हमें यूज करना है और 2 पिंच हम बाद में यूज करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नटमेग का यूज बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। अगर इसका यूज अगर ज्यादा हो गया तो लीवर मसाले का जो टेस्ट है वो कड़वा भी हो सकता है। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। अब लो टू मीडियम फ्लेम में इसे कवर करके टोटल 15 मिनट्स के लिए हमें कुक करना है और एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे स्टर भी करते रहना है। अब ये जो रिमेनिंग जो गरम मसाला है इसमें ये जो नटमेग है इसका 2 पिंच हमें ग्रेट करके डाल देना है। राइस को हमने स्ट्रेन कर लिया है। जब तक लीवर मसाला प्रिपेयर होता है मीनवाइल चलिए बिरयानी का जो राइस है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तब राइस में ये जो फ्राइड जो अनियन है उसे ऐड कर देंगे, साथ ही साथ ये जो गरम मसाला पाउडर है उसे भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ये जो बटर है उसे भी ऐड कर देंगे, साथ ही साथ इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि लीवर मसाला में भी हमने नमक ऐड किया है और बटर में तो नमक थोड़ा होता ही है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो अनियन है, बटर है और जो गरम मसाला है वो इवनली राइस में जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंग्रेडिएंट्स जो है शुरू में मेंशन करना भूल गई थी, इसमें जो है रोज वाटर ऐड करना होगा। तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है रोज वाटर ऐड कर रही हूँ, आप भी इतना ही ऐड कीजिएगा। अब राइस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। राइस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मैं आपको बता नहीं सकती, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसे हमें कवर करके रख देना है, ऐसा करने से इसका जो अरोमा है वो अंदर ही लॉक रहेगा। ये लीवर मसाला जो है लास्ट 5 मिनट से कुक हो रहा है, तो चलिए अब हम इसे स्टर कर लेते हैं। अब इसे हमें रिमेनिंग 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में कुक कर लेना है और बीच में एक बार हमें इसे स्टर भी कर लेना है। इसे हमने टोटल 15 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम स्टर कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ये कुक हुआ है या नहीं। यस, ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है वो चेक कर लेते हैं। वाव, ये बहुत ही यम्मी बना है। तो चलिए अब हम गैस बंद करते हैं और इसके बाद हम बिरयानी का लेयरिंग करेंगे। बिरयानी को हम इस तरह के बर्तन में बनाएंगे। सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से हमें ग्रीस कर लेना है। अब ये पैन के बेस में ये जो तेज पत्ता है इसे हमें एक एक करके बिछा देना है, बिल्कुल एक बेड की तरह। ऐसा करने से क्या होगा ना, बिरयानी बनते टाइम चावल जो है नीचे से चिपकेगी भी नहीं और तेज पत्ता का जो फ्लेवर है वो चावल में मिलता भी जाएगा। अब इसमें हमने जो चावल जो प्रिपेयर करके रखा था उसे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट लेयर में मैं ऐड कर रही हूँ अप्रोक्स 4 चम्मच चावल। अब चावल के ऊपर हमें लीवर मसाला ऐड करना है। अब बिल्कुल फर्स्ट टाइम की तरह इसके ऊपर हमें चावल जो है इस तरह से स्प्रेड कर देना है। अगेन चावल के ऊपर हमें इस तरह से लीवर मसाला जो है डालते जाना है और साथ ही साथ इसे इस तरह से पूरा चावल में जो है स्प्रेड करते जाएंगे। फिर से इसके ऊपर इवेंटली हमें राइस डालते जाना है। अब ये जो रिमेनिंग जो लीवर मसाला है इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और ये जो रिमेनिंग जो चावल है इसे इसके ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। अब बर्तन के फ्रेम में हमें ये जो गूथा हुआ जो आटा है उसे इवनली हमें लगा देना है, कुछ इस तरह से। अब एक स्टील के प्लेट को हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देना है। अब एक तवा को गैस में हमने चढ़ा दिया, अब गैस ऑन करेंगे और तवा को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तवा गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर ये बिरयानी वाले बर्तन को रख देंगे। अब फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे। अब इसके ऊपर 3 से 4 केजी का एक वेट चढ़ा देंगे।
अब इसे हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में 30 मिनट्स के लिए दम में कुक करना है। बिरयानी को हमने हाफ एन आवर के लिए दम में कुक कर लिया है। अब सबसे पहले इसके वेट को हटा देंगे। अब बहुत ही केयरफुली इसके लिड को हमें ओपन करना है। ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, चिकन लीवर बिरयानी। मैंने इसे सर्व किया है थोड़ा सा रायता, कुछ सैलड और चिकन ग्रेवी के साथ। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। तो अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस चिकन लीवर बिरयानी के रिगार्डिंग, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए